हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे BCS 12 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने इससे पहले 1 का A B C D पूरा बना के दे दिया है, E नंबर भी, और आज हम लोग देखेंगे 1 का G नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड माइनस टू वाई इज इक्वल टू जेड प्लस टू वाई। ठीक है, तो सो दैट इमेजिनरी, ये आई एम जो लिखा हुआ है, इमेजिनरी ऑफ जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए ये जो सेम क्वेश्चन है, ये जून 2022 में आया है, दिसंबर 2021 में आया है, और अगर आप थोड़े साल पहले और देखोगे तो और भी बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखिए जून 2022 में आया है। अभी हम लोग कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, दिसंबर 2022 का, यानी कि जस्ट इससे पहले ही पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उससे भी पहले पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग दो साल प्रीवियस टू ईयर का कर लेते हो ना, जब भी आपका एग्जाम है उससे प्रीवियस टू ईयर का, यानी कि चार पेपर, तो आप इजिली तौर पे 80-90 मार्क्स ले ही आओगे आराम से। ठीक है, इससे पहले मैंने जितना भी बताया 1 का ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ, मतलब उसमें भी सब प्रीवियस ईयर आया, जून 2022 से भी क्वेश्चन आया है 3-4 ठो, तो देख लीजिए। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, जब ये इस तरह का आएगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के साथ ये आई लगता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कर देंगे लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसको हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, वेयर ए इज इक्वल टू रियल नंबर है, ये आर ई जो लिखा हुआ है रियल है, और ये आई एम जो है ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी ऑफ जेड इज इक्वल टू बी। ठीक है, बस हो गया, ये हम लोग को बस याद रखना है। अब आगे सॉल्व देखिए कैसे होगा, हम लोग के पास क्या है, वी हैव जेड माइनस टू वाई इज इक्वल टू जेड प्लस टू वाई, दिया हुआ है ये सेम क्वेश्चन, तो देख लीजिए जेड माइनस टू वाई इज इक्वल टू जेड प्लस टू वाई। बस सिंपली अब हम लोग जेड का जो वैल्यू किए थे ए प्लस आई बी, इसको जेड की जगह पे डाल देंगे। ठीक है, तो जेड की जगह पे डाल दिया ए प्लस आई बी माइनस टू वाई का टू वाई, फिर ये जेड की जगह पे ए प्लस आई बी प्लस टू वाई का टू वाई, सिंपल। देख लीजिए इसमें कुछ स्पेशल नहीं किया, बस जेड की जगह पे वैल्यू डाल दिया ए प्लस आई बी को। ठीक है, अब बस सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, ए का ए हो जाएगा, इस दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, आई कॉमन निकलेगा, तो आई कॉमन निकल गया आई, बी बच गया इधर, ये माइनस हो गया और ये टू का टू हो गया, ये आई तो बाहर निकल चुका है। इसी तरह से इसमें से भी करेंगे तो इस दोनों में से आई कॉमन निकलेगा, तो ए प्लस आई का बाहर आ गया और यहाँ पे क्या आ बचा, बी प्लस टू बच गया, ये हो गया। ठीक है, अब बस आप देख लीजिए सिंपल, जब ऐसे दिया रहेगा ना, यानी कि ये ए प्लस आई बी, आई बी ऐसे फॉर्म में दिया रहता है ना, तो इसका क्या हो जाता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, जब इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग सिंपली अब कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए क्या है, ए तो यहाँ पे ए ही है, तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी क्या है, बी यहाँ पे ये बी माइनस टू है। ठीक है, तो बी माइनस टू का होल स्क्वायर। ये आई कहाँ चला गया भैया, ये इमेजिनरी था। ठीक है, इसको लिखना नहीं होता है, जब तक आप इसको सॉल्व करने जाओगे तब इसे ये आई को हटा दियो। ठीक है, ये इमेजिनरी है, ये बताता है कि ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है, आई का मतलब ही ये हुआ। ठीक है, इसी तरह इस तरफ भी करेंगे, यहाँ पे है ए प्लस आई बी, बी प्लस टू क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू का होल स्क्वायर, हो गया। ये फॉर्मूला मैंने जैसे बताया, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए दोनों टाइप क्या है, रूट है, तो क्या करते हैं, हटाना चाहते हैं रूट को, तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू का होल स्क्वायर, सेम, बस स्क्वायर हटा दिए और लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व कर देंगे भाई, ये कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अब बताओ ये क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर प्लस, देखिए ये क्या है, बी माइनस टू का होल स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज, बस सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है ए माइनस बी का, ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर लिख दिया, ए माइनस बी का क्या होता है, बी स्क्वायर, देख लीजिए इसके हिसाब से बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि आप यहाँ बी क्या है, टू है, तो टू का स्क्वायर, सिंपल यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाए इस जगह पे, ये देखिए। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे बी प्लस टू का होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस टू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो बस इसको भी सिंपल सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि टू का स्क्वायर, हो गया। इस तरह आप इसको सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस फोर बी, ये प्लस फोर हो जाएगा। अब ये सब, ये जो है ना, ये पूरा ये इक्वल टू है ना, इसके इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, तो सबका माइनस चेंज हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर बी प्लस, ये प्लस फोर है तो इस तरह के माइनस बी फोर हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है,
यहाँ पे इक्वल टू था, इक्वल टू के सारे इधर वालों का सारा को मैंने इस तरफ ले आया सिंपल। अब बस ये कट हो जाएगा, देखिए इससे कट हो जाएगा, ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर कट हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर कट हो गया, और ये प्लस फोर से ये माइनस फोर कट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस फोर बी और माइनस फोर बी, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस एट बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू ये माइनस एट इधर आके डिवाइड में हो जाता तो फिर जीरो ही आता, यानी कि बी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्यों लिखे थे, ये इमेजिनरी ऑफ बी क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ बी होता है ना, इमेजिनरी कौन सा होता है, बी होता है। तो हो गया हम लोग का इमेजिनरी ऑफ बी का वैल्यू आ गया, यानी कि इमेजिनरी ऑफ जीरो इज इक्वल जीरो हो गया, है ना, इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो हो गया। हम लोग को यही प्रूव करना था, सो दैट इमेजिनरी ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग का बी का वैल्यू जीरो आ गया। और हम मैंने बताया था कि बी कौन सा होता है, इमेजिनरी होता है, तो हो गया बी इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये था वन का जी नंबर। अब देखेंगे हम लोग वन का एच नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये भी जून 2022 में आया था, देख लिए समझ गए हम लोग, दिसंबर 2022 को सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जून 2022 में आया था, ठीक है। मैंने जून 2022 का ना कंप्लीट सॉल्यूशन प्लेलिस्ट बना के डाल दिया था अपने यूट्यूब पे, ठीक है, मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे, और बहुत सारे लोगों ने देखा था, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने आके मेरे को कमेंट किया था कि भैया मैंने 80+ 85+ कंप्लीट लिख के आए हैं, अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अब जब एग्जाम देने जाओगे ना तो पेपर करके जाओ, ठीक है। दिसंबर 2022 को तो करो ही करो, साथ में जून 2022 को भी कर लेना, ठीक है। उस पूरा प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख लेना, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया, रूट्स आर 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3। और हाँ, ऐसा मत समझिएगा कि क्वेश्चन अलग था, यहाँ पे कुछ और होगा, नहीं, सेम टू सेम डिटो यही क्वेश्चन। तो देख लीजिए, दो रूट्स दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला, उसको निकालने का ये सिंपल फॉर्मूला होता है, ये देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये तो इतना छोटा क्वेश्चन है ना, पूछिए मैं, ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। हम लोग को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, सम ऑफ रूट निकालना, तो लिखा लेते हैं, सम ऑफ रूट क्या हो गया, ये हम लोग का रूट दिया हुआ है दो, है ना, 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, तो लिख देते हैं, सम ऑफ बोला है ना, यानी कि 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 4 बच गया, है ना। अब क्या बोला, ये बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट माने इनटू, इनटू करने बोला मतलब मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, तो ये दो रूट है 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना, ये वही है ना, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड, आपको पता है ये सिंपल चीज है, वही कर देंगे। ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी क्या है, 3 है, तो यानी कि 3 का रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 3, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या था, ये था। तो बस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या निकाले, 4 निकाले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकाले, 1 निकाले, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। आ गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व हो गया इक्वेशन, समझिए इतना छोटा क्वेश्चन है, ये भी इतना छोटा क्वेश्चन है, बस ये दिखने में हार्ड है, इतना सिंपल है, आप तुरंत बना लेंगे, दो बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वन का जी और एच नंबर, ठीक है। इससे पहले मैंने सारा वीडियो डाल दिया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन का, इसके बाद भी मैं सारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।